अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज कुछ मीठा हो जाए तो चलिए बना लेंगे डबल का मीठा, यानी कि ब्रेड का मीठा। थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेंगे, 50 ग्राम के जितना खोवा ले लेंगे, आधा कप शक्कर ले लेंगे, मिल्क मेड ले लेंगे थोड़ा सा, 250 ml दूध ले लेंगे एक ग्लास। ये इलायची और शक्कर को पीस के रख लिया है। इस बार हम थोड़ा अलग बनाएंगे, यानी कि टूटी फूटी वाला ब्रेड आता है ना उसको ले लेंगे, सादा वाला ब्रेड नहीं। इसको दो टुकड़े में काट लिया है, थोड़ा फैन के नीचे रख देंगे तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। देखिए तेल को गर्म करने के लिए रख लिया है, अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करके ब्रेड के पीसेस को डाल लेंगे। सादा ब्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन इस ब्रेड से बनाइए इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे, सिम फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो तेल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। गोल्डन कलर आने के बाद इसको निकाल लें। खोए में थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मैश कर लें। देखिए ऐसे घुटलियाँ ना रहे, ऐसे मैश करके रेडी करके रख लीजिए साइड में। ऐसे ही मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई करके रख लिया है, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। दूसरे पार्ट में 250 ml दूध डालेंगे। देखिए इस ग्लास से 1 ग्लास डाला है, 1/2 कप शुगर डालेंगे। इलायची को शक्कर के साथ पीस के रख लिया है, उसको 2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर डालेंगे। आप एसेंस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इलायची पाउडर डाली हूँ 2 टीस्पून जितना। इसको मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे एक उबाल आने तक। दूध में उबाल आ गया है, अब इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को डाल लेंगे। जब तक पकाएंगे ब्रेड स्लाइसेस पूरा दूध को अब्जर्व कर लें, तब तक पका लेंगे। पूरा दूध ड्राई हो जाना चाहिए जब तक आप पका लें, ज़्यादा हिलाए नहीं। देखिए मैंने दूध में डालना कलर डालना भूल गई थी, आप दूध में ही कलर डाल लीजिए, ये ऑप्शनल है। कलर डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। देखिए दूध पूरा अब्जर्व हो गया है। एक ट्रे में मैंने ऐसे इसको रख लिया है ब्रेड स्लाइसेस को। अब इस पर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालते जाएंगे। कंडेंस मिल्क डालने से अच्छा सा टेस्ट आता है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ऐसे ब्रेड स्लाइसेस पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और दूध में मिक्स किया कोहवा को ब्रेड स्लाइसेस पे ऐसे लगाते जाएंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स को भी डाल लेंगे ऊपर से, आप चाहे तो थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। बचे हुए ब्रेड स्लाइसेस के इसके ऊपर बिछा देंगे। मैंने लेयर्स बनाया है, आप बड़े से प्लेट में ही इसको गार्निश कर ले सकते हैं। इसके ऊपर कंडेंस मिल्क डाल देंगे, पहला वाला स्टेप ही फॉलो करेंगे। इसके ऊपर खोवा लगा देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर टूटी फूटी डाल सकते हैं, चेरीज डाल सकते हैं, थोड़ा कलरफुल दिखेगा और ख़ूबसूरत भी दिखेगा। देखिए हमारा ब्रेड का स्वीट यानी कि डबल का मीठा बन के तैयार है, बहुत ही डिलीशियस यमी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।